बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने नेम रेंजेस के टॉपिक को कवर किया था, जिसके अंदर आप स्प्रेडशीट में किसी भी एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स को नेम असाइन कर सकते हैं, और नेम असाइन करने के बाद आप उन नेम्स को एज अ रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कॉपी एंड पेस्ट डेटा इन स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट के अंदर आप किसी भी डेटा को किस तरह से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको सेल में डाटा इंसर्ट करना सिखाया, यानी जिस तरह आप स्प्रेडशीट में किसी भी सेल में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप सेल्स में पड़े डाटा को कॉपी, मूव और पेस्ट भी करा सकते हैं। कैसे? दोस्तों, सबसे पहले आपको जिस भी एक सेल या फिर एक से ज्यादा सेल्स को अगर आपको कॉपी करना है, तो आपको सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना होगा। आप सबसे पहले एक्सेल में जिन भी सेल्स को आपको कॉपी करना है, आप उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जितने सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया है, वो तमाम अब इस तरह से उनका एक बॉर्डर बन गया है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि दीज सेल्स आर सिलेक्टेड। अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉपी करना है। तो आपको यहाँ पर मेन्यू बार में होम के ऑप्शन के अंदर आपको ये मिल जाएगा कॉपी का ऑप्शन। आप इस कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपको अब आपके सेल की ये जो बॉर्डर लाइन है, ये इस तरह से नहीं दिखेगी, बल्कि अब आपकी बॉर्डर लाइन कुछ इस तरह से डैश बॉर्डर हो जाएंगे, यानी बॉर्डर लाइन ये डैश डैश होगा इस तरह से। तो अब आपको पता लग जाएगा कि आपके ये तमाम सेल्स कॉपी हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको पेस्ट करने की। लेकिन दोस्तों, हमें स्प्रेडशीट को पहले ये बताना होगा कि हम इन तमाम सेल्स के डेटा को कहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, किन सेल्स में पेस्ट करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां से आप इस डाटा को पेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तो अब आपके सामने बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही डाटा जो आपने कॉपी किया था, ये आपके सामने पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक तरीकेकार था जिसके जरिए आप स्प्रेडशीट के अंदर मौजूद किसी भी डाटा को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसके दोस्तों, अब आपके सामने ये एक टेबल मौजूद है और मुझे इस टेबल को एज इट इज कॉपी करना है, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के लिए आपके सामने ये एक एरो टाइप एक डॉक्टर सिंबल आपको नजर आ रहा होगा। आप इसको सेल के बिल्कुल बीच में रखते हुए अपने माउस की मदद से इसको ड्रैग करेंगे, और जितने सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है, उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप इस कॉपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आपने कॉपी पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर है इन तमाम सेल्स के, ये इस तरह डैश 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 बॉर्डर्स बन गए हैं, विच मींस कि ये तमाम सेल्स अब कॉपी हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको पेस्ट करने की। तो दोस्तों, आपको जहां भी इसको पेस्ट करना है, आप वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इस पर माउस की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब एज इट इज बिल्कुल ऐसा ही टेबल आपके सामने पेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो चीज थी, ये थी सिंपल कॉपी पेस्टिंग, जिसके अंदर आप एज इट इज किसी भी चीज को अगर कॉपी करना चाहते हैं, तो वो आप बिल्कुल इस कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन के थ्रू। दोस्तों, अगर आप एज इट इज सेल्स या फिर नंबर ऑफ सेल्स को और उनमें मौजूद डेटा को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। अब बारी आती है कि अगर मैं इन सेल्स में पड़ी वैल्यूज को पेस्ट करना चाहती हूँ, वैल्यूज को कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ, तो वो किस तरीके से करूंगी। मैं सबसे पहले इस सेल को या फिर इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक करूंगी, और कॉपी पर क्लिक करने के बाद जहां भी मैं इसको पेस्ट करना चाहती हूँ, वहां उस सेल को सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद दोस्तों, मैं इस पेस्ट पर क्लिक नहीं करूंगी, बल्कि इस पेस्ट के ऑप्शन में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उस पर जाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको सेकेंड ब्लॉक में नजर आ रहा है पेस्ट वैल्यूज। तो आप इस पेस्ट वैल्यूज में जो आपको फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है वैल्यूज का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस सेल में पड़ी तमाम वैल्यूज पेस्ट हो जाएंगी। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टेबल आप देख रहे हैं, तो ये ₹10 जो है, ये पूरी एक वैल्यू नहीं है, ये है इसके अंदर करेंसी और ये है तमाम वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पेस्ट हुई हैं। तो इस तरीके से MS Excel आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके, कॉपी करके, उनमें से भी अपनी मर्जी के डाटा को पेस्ट करवा सकते हैं। अब मान ले दोस्तों, मैं वैल्यूज को पेस्ट नहीं करना चाहती, बल्कि ये जो इस टेबल का फॉर्मेट है, इसके बॉर्डर्स हैं, यानी जो भी फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, कलर्स वगैरह, मैं इन तमाम चीजों को पेस्ट करना चाहती हूँ।
तो वो मैं किस तरीके से दोस्तों, उसके लिए मैं दोबारा से इस पूरे इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक करूंगी और कॉपी पर क्लिक करने के बाद जहां भी मैं इस फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहती हूँ उन सेल्स को सिलेक्ट करूंगी। उन सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाऊंगी और दोस्तों इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको सबसे लास्ट ब्लॉक पे नजर आ रहा होगा अदर पेस्ट ऑप्शंस। तो इन अदर पेस्ट ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है फॉर्मेटिंग का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब जो इस इन तमाम सेल्स का फॉर्मेट होगा वो आपके सामने पेस्ट हो जाएगा। तो ये तरीकेकार था जिसके जरिए आप सेल्स की जो फॉर्मेटिंग हुई भी है उनके ऊपर जो भी उनके बॉर्डर्स हैं, उनकी लाइंस हैं, जिस तरह का वो टेबल है वो आपके सामने पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एक ही सेल के अंदर मौजूद डेटा को तमाम सेल्स के अंदर कॉपी करना चाहते हैं तो वो आप दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सेल में डेटा लिखा, एक वर्ड लिखा मकतब, और अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो तमाम सेल्स हैं इन तमाम, इसके जो नीचे आपको डाउनवर्ड सेल नजर आ रहे हैं इन तमाम सेल्स में ये जो एक सेल में डेटा है ये कॉपी हो जाए। तो इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट के ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने कर्सर को इस सेल के सबसे राइट हैंड साइड पे जो कॉर्नर है यहाँ पर लेकर आएंगे। लाने के बाद दोस्तों यहाँ पर तब इसको छोड़ेंगे जब आपके सामने ये डॉक्टर का साइन, डॉक्टर सिंबल आ जाएगा, ये वाला जो सिंबल है दोस्तों। आप इसको यहाँ पर लाने के बाद माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करते हुए माउस को नीचे की जानेब धकेलेंगे, यानी आप ड्रैग करेंगे और जहां तक आपको, जिन सेल्स तक आपको इस डेटा को कॉपी करवाना है उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों देखिएगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी अपने माउस को तो अब इन तमाम सेल्स में जो कि मैंने सिलेक्ट किए थे उन तमाम सेल्स में ये डेटा कॉपी हो गया है। तो इस तरीके से भी आप एक सेल में मौजूद डेटा को तमाम सेल्स में कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था कि अगर मैं किसी एक वर्ड को ही तमाम सेल्स में कॉपी करवाना चाहती हूँ, लेकिन MS Excel आपको ऑटोमेटिकली फिलिंग सेल्स की फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप कहीं लिख रहे हैं मंडे, तो आप अगर उस मंडे को डाउनवर्ड सेल्स में कॉपी करेंगे तो वो मंडे कॉपी नहीं होगा बल्कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी ऑटोमेटिकली कि मंडे के बाद क्या आता है वो फिल हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद क्या आता है वो फिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मंथ्स को फिल करेंगे ऑटोमेटिकली, तो मंथ्स के अंदर अगर आप जैन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली फैब, उसके बाद मार्च, जो भी आता है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ये देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा MON। अब दोस्तों मैं इसको कॉपी करूंगी और कॉपी करने का तरीका ये है कि मैं इसके इस कर्सर को यहाँ कॉर्नर पे लेकर आऊंगी और कॉर्नर पे लाने के बाद मैं इसको नीचे की जानिब सेल्स के अंदर धकेलूंगी। तो आप देख सकते हैं, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मंडे कॉपी नहीं होगा बल्कि जितने भी डेज होते हैं वीक में वो तमाम डेज कॉपी हो जाएंगे। तो इसके अंदर ये भी एक एडवांस फीचर है कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली भी आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने जैन और अब मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करूंगी तो आप देखिएगा कि अब ऑटोमेटिकली मंथ्स के नेम आपके सामने फिल होंगे। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप साइड पे भी करना चाहते हैं तो साइड पे भी इस तरह से आप फिलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज कहलाती है ऑटोमेटिकली फिलिंग सेल्स। दोस्तों इसके अलावा आप किसी भी सेल को या फिर एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स को अगर कॉपी कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज को कॉपी करना चाहते हैं, तो आप उन पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तमाम सेल्स हैं जिनके नंबर्स को मैं इस दूसरे वाले सेल में कॉपी भी करवाना चाहती हूँ और साथ के साथ इन नंबर्स से प्लस भी करवाना चाहती हूँ, यानी जो 10, 10, 10 है ये इस इन तमाम नंबर्स से आपस में प्लस करवाना चाहती हूँ। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक करूंगी और कॉपी पर क्लिक करने के बाद मैं ये बताऊंगी MS Excel को कि मुझे इसको पेस्ट कहाँ करवाना है, कि मुझे इसको यहाँ पर पेस्ट करवाना है, इस सेल से पेस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं पेस्ट में मौजूद ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा पेस्ट स्पेशल, मैं पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करूंगी और पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे कई तरह के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी ऑप्शन फॉर्मूलाज, क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं पेस्टिंग के साथ साथ कॉलम को आपस में प्लस भी करवाना चाहती हूँ, तो मैं ये ऐड के ऑपरेशन पर क्लिक करूंगी और अब मैं जैसे ही ओके करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम नंबर्स थे ये इन नंबर्स से प्लस हो गए। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को कॉपी करने के साथ साथ उस कॉलम को जहाँ पेस्ट करवाना चाहते हैं वहां पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और दूसरे तरीके के भी फॉर्मूलाज को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था कॉपी पेस्ट। अब अगर आप किसी भी सेल या फिर नंबर ऑफ सेल्स को कट करके
एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से करेंगे? आप वैसे ही तमाम सेल्स को, जिनको भी आप कट करना चाहते हैं, जिनको भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हैं, आप उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इस कट कॉपी के ऑप्शन पर प्रेस नहीं करेंगे, कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि कट पर क्लिक करेंगे। और कट पर क्लिक करने के बाद आप जहां भी इन तमाम सेल्स को प्लेस करना चाहते हैं आप उस सेल पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम सेल्स जो यहाँ पर मौजूद थे अब वो मूव होकर इन सेल्स पर आ चुके हैं, विच मीन्स कि आप कट के ऑप्शन के थ्रू एक या फिर एक से ज्यादा सेल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर मूव करवा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये तो तरीकेकार एमएस एक्सेल के अंदर कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट के ऑप्शंस को अप्लाई करने का तरीका। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसके अंदर आप सीखेंगे कि आप स्प्रेडशीट्स के अंदर किस तरीके से सेल्स में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।